Praise the Lord and good evening, dear friends, and welcome to the Bible study hour of the Life Spring Assembly on Wednesdays. और आप सभी को आज की शाम जय मसीह की. और मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया के बाइबल अध्ययन के समय में. I sincerely hope that you are listening every week very seriously and considering the thoughts that I am passing on to you. अब मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि हर हफ्ते बुधवार की शाम आप इस बाइबल अध्ययन का भाग बन रहे हैं और गंभीरता से उन शिक्षाओं को सुनते हैं, विचारते हैं और उन पर मनन करते हैं जो मैं हर हफ्ते हम आपको दे रहे हैं. If you have been following very regularly with notes, I am sure you will have a greater understanding and grasp of the message of 1 Corinthians. अगर आप प्रति हफ्ते अगर इस बात को देखते और जानते और विचारते हैं कि और नोट्स को लिखते हैं शिक्षाओं से, तो आपको इसका अर्थ बड़े गहन रूप से समझ में आता होगा. Now we are in chapter 13. और हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. So 1 Corinthians chapter 13 is known as a chapter of love. और इसलिए पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय जो है प्रेम का अध्याय कहलाता है. The love that is described in this chapter is not any love. There are so many kinds of love in the world. और जो इस प्रकार का प्रेम का वर्णन इस अध्याय में किया गया है वो वैसा प्रेम नहीं है जो संसार में पाया जाता है, क्योंकि संसार में हर तरीके और हर प्रकार का प्रेम है. It is agape love. लेकिन इस अध्याय में जिस प्रेम की बात करी जा रही है वो है agape प्रेम. It is the love of God. और ये परमेश्वर का प्रेम है. It is superior to all other kinds of love. और ये किसी दूसरे प्रेम से कहीं ऊंचा और सर्वोत्तम है. In this chapter, we have been considering various aspects of love. और वचन के इस भाग में हम कई सारे विचारों के ऊपर अपने अध्ययन को रखे हुए थे. There are four of them and we have already considered two of them. और वचन के इस भाग में चार ऐसी बातें थी जिन पर ध्यान लगाना जरूरी है और उनमें से दो पर हमने अपने अध्ययन को समाप्त कर दिया है. The first was the great importance of love. और जो पहला था प्रेम का महान महत्व. And secondly, the second thing we considered was the great acts of love. और जो दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण थी वो थी प्रेम के महान कार्य. And there are 15 acts of love. और उसके विषय में हमने पढ़ा कि 15 ऐसे काम हैं प्रेम के. The last one, 15th, was love always perseveres. और जो अंतिम इन 15 कार्यों में था वो था कि प्रेम हमेशा बना रहेगा. And today we shall get into the third aspect of love. और आज की शाम हम तीसरे उस कार्य की ओर बढ़ेंगे जो प्रेम करता है. And the third aspect of love is the great permanence of love. और जो तीसरा सबसे बड़ी बात है प्रेम को लेकर वो है प्रेम का स्थिरता या प्रेम का महान स्थिरता. And there are four things to consider under this. और इसमें चार ऐसी बातें हैं जिन पर हमें मनन करना है. So let us read the passage, chapter 13, verses 8 to 12. और आइए इस पे मनन करने के लिए हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ें. I होप ऑल ऑफ यू हैव बाइबल्स एंड अ नोटबुक एंड अ पेंसिल और पेन. मुझे पूरी आशा है कि आप सबके पास अपना बाइबल है, अपना नोटबुक है, पेंसिल या पेन मौजूद है. सो एज पास्टर महेंद्र रीड दिस पोर्शन, यू फॉलो the reading of God's word in your own Bible. और जैसे हम वचन के इस भाग को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप अपने अपने बाइबल में इस वचन पर ध्यान दीजिए. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी. अभी हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ. आमेन. आमेन.
you know, the Holy Spirit is our teacher. और याद रखिए कि पवित्र आत्मा ही हमारा सच्चा शिक्षक है. To speak, I need the anointing of the Holy Spirit. और बात करने के लिए आपसे इस शिक्षा को देने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता. And you also need the anointing as much as I need it, or both of us need. The translator also needs, and you also need the same anointing in order to listen and grasp and understand. और आपको भी उसी अभिषेक की आवश्यकता है जैसे हमें है इसका प्रचार करने और अनुवाद करने के लिए कि आप भी पवित्र आत्मा की शिक्षा और संदेश को समझने पाए. The great permanence of love. और प्रेम का महान स्थिरता. Number one. पहली बात. It never fails. ये प्रेम कभी असफल नहीं होता. Never ceases and never vanishes. कभी टलता नहीं और कभी रुकता नहीं. Love endures and lasts forever. प्रेम हमेशा बना रहता है और हमेशा के लिए चलता है. But not so with spiritual gifts and abilities. लेकिन ऐसा हम आत्मिक वरदानों और योग्यताओं के विषय में नहीं कह सकते. They shall cease. क्योंकि वो सब रुक जाएंगी. And they shall cease to be and they shall vanish. वो रुक जाएंगी और उनका आगे बढ़ना भी रुक जाएगा. Because there is something called perfection. क्योंकि in our life. बात है जिसे हम सिद्धता कहते हैं. And when we reach heaven and stand in eternity before God. और जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अनंत के सामने खड़े होंगे. We begin to understand everything perfectly. तब हम हर एक बात को बड़ी सिद्धता के संग समझने लगेंगे. And with that. और इसके साथ. Prophecies will come to an end. वो जितनी भविष्यवाणियां हैं वो अंत में अंत हो जाएगा. Speaking in tongues will come to an end. और अन्य भाषाओं में बोलना समाप्त हो जाएगा. And all the gifts that are mentioned, they all will come to an end. और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने बनाया है, सारे वरदान और तोहफे, उनका भी अंत हो जाएगा. There will be no more miracles and manifestations. और कोई और चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे. Because we don't need them. क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता नहीं है. We need it now. हमें उन्हें अभी उनकी आवश्यकता. Because our understanding is very limited. क्योंकि हमारी समझ बहुत सीमित है. And it is necessary for the manifestation of God's wonderful power to be experienced in our life. और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का अनुभव हम अपने जीवनों में करें. And so when we stand in eternity before God. और जब हम परमेश्वर के सम्मुख अनंत में खड़े होंगे. All these gifts will cease and vanish. ये सारे वरदान रुक जाएंगे और आगे खत्म हो जाएंगे. The spiritual gifts are temporary. क्योंकि आत्मिक वरदान अस्थाई हैं. They are not permanently given. वो स्थाई रूप से हमें नहीं दिए गए हैं. They are necessary in this life. वो इस जीवन में हमें उनकी आवश्यकता है. But not in the life that is to come. लेकिन उस जीवन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं जो आने वाला है. And because of this. और इस कारणवश. They are far inferior to love. प्रेम से जब उनकी तुलना करी जाती है तो वो प्रेम से नीचे हैं. As I said, spiritual gifts are temporary tools for us in reaching and ministering to a lost and needy world. और जैसा मैंने बताया कि ये आत्मिक वरदान वो यंत्र हैं जिससे परमेश्वर इस खोए हुए संसार के हमारे द्वारा उन लोगों को तक अपने संदेश को पहुंचाता है. Now this activities will go on until the rapture. और ये सारी गतिविधियां चलती रहेंगी जब तक कलीसिया का उठाया जाना ना हो. Until the rapture, the preaching will be there. और कलीसिया के उठाए जाने तक प्रचार भी Until चलता the rapture, the Holy Spirit and his gifts are necessary. और जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाती तब तक पवित्र आत्मा के वरदान चलते रहेंगे क्योंकि उन वरदानों की आवश्यकता हमें इस जीवन में है. But when the rapture takes place, लेकिन जब कलीसिया का उठाया जाना होगा. We are right in the presence of God. तब हम परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाएंगे. And in eternity when we stand before him. और जब हम अनंत में उसके सम्मुख खड़े हो जाएंगे. That which is perfect
will happen and get hold of us. और वो जो सिद्ध है वो हमें पकड़ेगा, हमें थामेगा और हमारे ऊपर अपना कब्जा ले लेगा. But these spiritual gifts today are, as I said, a temporary and they are temporary tools that we must use to reach a lost world. और जैसा मैंने बताया, लेकिन ये आत्मिक वरदान तो वो अस्थाई वरदान है जिन्हें हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम खोए हुए लोगों तक उसके संदेश को पहुंचाएं. Now here we must consider seriously the mistake we as God's people make. और यहाँ पर हमें गंभीरता से उन बातों के विषय में, उन गलतियों के विषय में सोचना है जो हम करते हैं. We are guilty of the very things the world accuses us of doing. हम उन्हीं बातों के दोषी ठहराए जाते हैं जो परमेश्वर, जो इस संसार हम पर दोष लगाता है. And what is it? और वो क्या है? Focusing on the temporary instead of the eternal. कि हमारा ज्यादा ध्यान अस्थाई बातों की ओर रहता है, इसकी बजाय कि वो पूरा ध्यान स्थाई बात की ओर लगा रहे. That is why in the first chapter from verse 1 to a few verses before the acts of love begin. और इसीलिए वो पहला अध्याय जैसे पहले की प्रेम के कार्य की शुरुआत हो. That's why Apostle Paul drawing our attention. इसीलिए पौलुस प्रेरित हमारे ध्यान को खींचना चाहता है. So if we are, if we can speak all the languages of heaven and earth and all the languages of the world. अगर हम स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भाषाओं को भी बोल सकें. And heavenly languages. और स्वर्गीय भाषाओं को. And understand the great mysteries of God. और परमेश्वर के रहस्यमय बातों को भी समझ सकें. And you have faith. To move the mountains. और आपके पास विश्वास, ऐसा विश्वास है जो पहाड़ों तक को हिला दे. And a great miracle working. और एक महान चमत्कार करने वाला विश्वास. And even if we give our bodies to be burned. और यहाँ तक हम अपने शरीर को जलने के लिए भी क्यों ना दें. For the sake of Jesus. यीशु मसीह के कारण. Apostle Paul says. पौलुस प्रेरित कहता है. If we don't have love. अगर हमारे पास प्रेम नहीं. They all become useless. तब ये सारी बातें किसी काम की नहीं. We are still lost. हम जो हैं खो जाते हैं. And so that is. But what are we doing today? लेकिन आज के दिन हम क्या करते हैं? We are focusing on these temporary things. हम इन अस्थाई बातों पर अपने ध्यान को रखे हुए हैं. When Apostle Paul clearly states, if you don't have love. जब पौलुस कहता है कि स्पष्ट रीति से कि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है. Everything is in vain. तब सारी बातें बेकार हैं. We achieve nothing. हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते. So let us remember this thing. आइए इस बात को याद रखें. The reason Apostle Paul put this 13th chapter between 12 and 14th chapter. और कि क्यों पौलुस प्रेरित ने इस 12वें और 14वें अध्याय के बीच में इस 13वें अध्याय को रखा है. It is not what you display, what gifts you have and what abilities you have. और ये विषय में नहीं है कि आप वो दिखाएं या वो बातें बोले कि आपके पास कैसी योग्यताएं हैं, कैसे वरदान. The operation of these gifts. इन बातों का जो चलना है. Must be based on love. इन सारी बातों का चलना प्रेम में होना चाहिए. We should never forget that. और हमें इन बातों को भूलना नहीं है. So someone who has a great prophetical ministry. और कई कोई ऐसा जिसके पास महान भविष्यवक्ता की सेवा है. Does he have love? क्या उसके पास प्रेम है? Very often I notice these people have great pride. कि मैंने कई बार इसी बात को देखा कि इन लोगों के पास बड़ा घमंड मौजूद है. They have a feeling that others are inferior to them. और उनके अंदर ऐसी भावना है कि दूसरे उनसे छोटे हैं. And so the exercising of all these gifts become useless and unproductive. और इन सारे वरदानों का चलन करना या उनका प्रयोग करना या होना ऐसी परिस्थिति में अर्थहीन हो जाता है. So Holy Spirit is given freedom, he comes with his gifts. और जहां पर पवित्र आत्मा को आजादी मिलती है वहां वो अपने वरदानों के संग आता है. But our focus should not be on the temporary. लेकिन हमारा ध्यान अस्थाई वस्तुओं पर या वरदानों पर नहीं होना चाहिए. It should be on the other hand on the eternal. लेकिन हमारा ध्यान अनंत की, अनंत पर होना चाहिए. But very often we find that we glory
in our earthly gifts and abilities. लेकिन कई बार हम इस बात को पाते हैं कि इस सांसारिक बातों में हम महिमा उठाते हैं या महिमा पाते हैं. Instead of serving and ministering to people in love. इसकी बजाय कि हम लोगों के सेवा करें, उनको सहायता करें प्रेम में. So the second thing to note is this. और दूसरी बात जो इसी में इसी संदर्भ में हमें देखनी है. Love is perfect and complete. प्रेम सिद्ध है और पूरा है. We know nothing perfectly in this life. हम इस जीवन में किसी भी ऐसी बात को नहीं जानते जो सिद्ध हो. We can proclaim. हम घोषणा कर सकते हैं. We can predict the truth. हम आश लगा सकते हैं या सच के विषय में बोल सकते हैं. Only with partial certainty. लेकिन सिर्फ पूरी स्थिरता के साथ नहीं, लेकिन सिर्फ आलंक ना करते हुए. No person knows the truth perfectly. क्योंकि कोई भी व्यक्ति सत्य को सिद्धता से या पूर्ण रीति से नहीं जानता. However, लेकिन फिर भी, a day of perfection is coming. एक सिद्धता का दिन आ रहा है. And will stand and endure. और वो सत्य साबित होगा और हमेशा बना रहेगा. When that perfect comes. जब वो सिद्धता या सर्वसिद्ध आएगा. And that which is perfect, और वो जो सिद्ध है, will stand and endure. वो खड़ा रहेगा और बना रहेगा. The point is, और यहाँ पर बात ये है, love is perfect. कि प्रेम सिद्ध है. Therefore, love shall endure and be the primary trait between believers and eternity. और इसीलिए प्रेम को बने रहना है और वो ही एकमात्र स्रोत विश्वासियों का अनंत के लिए होना चाहिए. Therefore, इसी कारण love is far superior to the gifts. प्रेम वरदानों से कहीं बढ़कर है. And the third thing is, जो तीसरी बात इस संदर्भ में हमें देखनी है. This is what Paul is conveying to you through these verses. और इसी बात को पौलुस प्रेरित इन वचनों के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है. The third thing to notice is love is mature. और तीसरी बात इस संदर्भ में हमें देखना है कि प्रेम सिद्ध है या सयाना है. Maturity of behavior. और सयानापन अपने व्यवहार में. While on earth, all that man is and possesses, like abilities, knowledge, and being, all are like a child. और इससे पहले कि वो सारी बातें जो मनुष्य के पास आती हैं, वो सिर्फ एक बच्चे के ही समान हैं. When will that day come? वो दिन कब आएगा? That day of perfection. वो सिद्धता का दिन. When the day shall come, when we shall set aside all the childhood understanding. जब वो दिन तब आएगा, जब आएगा तब हम सारे बचपन की समझ को एक किनारे कर देंगे. Not only understanding, और ना केवल समझ, but our thoughts, लेकिन हमारे विचार. And we become a mature man or woman. और हम एक सिद्ध मनुष्य या एक सिद्ध पुरुष या नारी के रूप में बन जाएंगे. A perfect man, और एक सिद्ध मनुष्य. When love is perfected, जब प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो जाएगा. And we struggle with this aspect of love. और हम इस प्रेम के को लेकर कई बार पीड़ा में या लड़ाई में एक बने रहते हैं. Jesus teaching concerning love. और यीशु मसीह की शिक्षा प्रेम के लिए. Love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो. Love those who speak all kinds of evil against you. और हर उसी से प्रेम करो जो तुम्हारे विरुद्ध किसी भी बुरी ये बात को कहता है. And pray for them. और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो. And you forgive. और आप उन्हें क्षमा करो. How many times? कितनी बार? According to Paul, 77 times in a day. और पौलुस कहता है एक दिन में 70 गुणा 7 बार यानी 490 बार एक दिन में तुम्हें उसे क्षमा करना है. In one day. एक दिन में. And in one person. एक व्यक्ति को. If one person offend you. अगर एक व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए. And comes back to you 490 times. और आपके पास वापस 490 बार आए. You forgive him. उसे क्षमा कर दीजिए. You know, God's standard is the highest that many people think it is all. और परमेश्वर का जो स्तर है या माप है वो सबसे ऊंचा माप या स्तर है. You remember
how God loved you. और इसलिए याद रखिए कैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया. When I am sitting in the presence of God in prayer sometime. और जब मैं कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठता हूँ. I think of God's accepting me and forgiving me. तब मैं सोचता हूँ इस विषय में कि परमेश्वर ने कैसे मुझे ग्रहण किया और कैसे मुझे क्षमा किया. And I am lost in the thought. और मैं उन विचारों में खो जाता हूँ. How could this holy, perfect God who lives in an unapproachable light? कि कैसे ये पवित्र परमेश्वर जो ऐसी आसीमी ज्योति में विराजमान. Against whom I sin. जिसके विरुद्ध मैंने पाप किया. And I hated him. और उसकी इससे घृणा करी. I didn't want him. और उसको मैं नहीं चाहता था. For such a God to love me and forgive me and accept me. वो एक ऐसा परमेश्वर हुआ जिसने मुझे क्षमा किया, माफ किया, ग्रहण किया, मुझसे प्रेम किया. It's beyond my understanding. ये मेरी समझ के परे है. And so today we are not perfect. और आज के दिन हम सिद्ध नहीं हैं. And it is because love within me is not perfected. और ये इसलिए है क्योंकि मेरे भीतर जो प्रेम है वो भी सिद्ध नहीं है. And when that love is perfected and into maturity. जब वो प्रेम सिद्धता में बढ़ जाता है. Then I will be a changed person. तब मैं एक बदला हुआ मनुष्य हो जाऊंगा. And that's why the third thing we said, love is mature. और इसीलिए तीसरी बात जो हमने बताई कि प्रेम सियाना है. That is maturity in our behavior. और वो है अपने व्यवहार में सियाना होना. Man is just immature. और मनुष्य अवयस्क है. And immature and imperfect. और मनुष्य जो है असिद्ध है और असियाना है. However, लेकिन फिर भी the joyful promise is a day of maturity is coming. एक जो आनंद करने वाला वादा ये है कि एक सिद्धता का दिन आ रहा है जब सियाने हो जाएंगे. The question is, सवाल ये उठता है, when will that day come? कि वो दिन कब आएगा? And when the day shall come, और जब वो दिन आएगा, when we shall set aside all the childhood understanding, जब हम सारे बचपनों की समझ को किनारे कर देंगे, and thoughts, और सारे विचारों को, and become a mature man, और एक सिद्ध या सयाने मनुष्य बन जाएंगे, a perfect man, we become when love is perfected. और हम एक सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे जब प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो जाएगा. Between God and man, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच, and between man and man, और मनुष्य और मनुष्य के बीच में, love is the great gift. प्रेम एक सबसे बड़ा तोहफा है. And it is not only a gift, but it is an amazing quality. और ये ना केवल एक वरदान लेकिन एक सबसे बड़ी अद्भुत एक गुण है. Existing upon earth, जो पृथ्वी पर मौजूद है आज के दिन. And that endure. Thoughts and eternity. और वो विचारों को, वो विचार और ये सारी बातें अनंत तक चलती रहेंगी. Between God and man, and between man and man, love is the great gift and quality existing. और परमेश्वर और मनुष्य और मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम सबसे बड़ा वो गुण मौजूद है. And that love endure throughout eternity. और ये प्रेम अनंत काल तक बना रहेगा. Not temporary. ना अस्थाई ना होगा. It is throughout eternity. लेकिन ये अनंत तक बना रहेगा. When all other things, special things will vanish. जब सारी दूसरी खास बातें समाप्त हो जाएंगी. What makes heaven heaven? और कौन सी बात स्वर्ग को स्वर्ग बनाती है? It is that amazing love. और ये तो वो अद्भुत प्रेम है. Between man and God and between man and man and जो कि मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मौजूद. And for this reason. और इस कारणवश. Love is far superior to the gifts and abilities of men. प्रेम मनुष्य की सारी योग्यताओं और वरदानों और तोहफों से बढ़कर के है. And then
fourthly, और चौथी बात, love is being face to face with God. और चौथी बात यह है कि परमेश्वर के प्रेम परमेश्वर के आमना सामना करने Now, के विषय में. This will enable us to possess a perfect and a perfect consciousness and knowledge of God. और ये बात हमारी सहायता करेगी कि हम परमेश्वर के विषय में सही ज्ञान और एक सही विवेक को अपने अंदर बनाएं. Our present relationship with the Lord is comparable to the reflection we see through a dark mirror. और हमारा जो वर्तमान का परमेश्वर के संग रिश्ता है वो इस समान है कि मानो एक अंधेरे में पड़े एक शीशे में अंधेरे में पड़े एक शीशे से हम परमेश्वर को देखते हैं. We can faintly see the figure. हम एक धुंधले रूप में परमेश्वर को देख सकते हैं. But it is not clear. लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिखता. And it is not distinct. और वो एक तरीके से खास रूप में नहीं दिखता. We may see a figure, but we can't even recognize whose figure. एक आकार तो हमें दिखता है, लेकिन हमें ये भी नहीं पहचान पाते कि वो किसका आकार है. Therefore, और इसलिए, we only see God and the truth in part. और इसीलिए हम परमेश्वर को और सत्य को भागों में देखते हैं. And the truth also we understand in part. और सत्य को भी हम भागों में देखते और समझते हैं. However, लेकिन फिर भी, the day is coming. एक दिन आ रहा है. When we shall know God even as He is, He knows us perfectly. जब हम परमेश्वर को देखेंगे और जानेंगे जैसे वो हमें सिद्धता से देखता और जानता है. When is that day coming? और वो दिन कब आएगा? The day love is perfected between God and man. जब वो दिन तब आएगा जिस दिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच ये प्रेम सिद्ध हो जाएगा. What will bring that day about? और ये दिन किस विषय में आएगा? Love. प्रेम के विषय. God's love. परमेश्वर का प्रेम. Perfect love for man. सिद्ध प्रेम जो मनुष्य के लिए है. And a perfect love from man to God. और एक सिद्ध प्रेम जो मनुष्य से परमेश्वर की ओर उठेगा. And it is love that will be perfected. और ये तो प्रेम है जो सिद्ध हो जाएगा. And that will bring the day of perfection to reality for all men. और वो दिन perfection या सिद्धता को सारी मनुष्य जाति के लिए लेकर के आएगा. It is love that will bring us face to face and a relationship with God. और ये प्रेम ही है जो परमेश्वर के सामने सामने और उसके संग एक रिश्ते में हमें ले आएगा. And it will bring us into a perfect knowledge of truth. और ये हमें एक सिद्ध ज्ञान की और सत्य की ज्ञान के में लेकर के आएगा. And when we understand God perfectly, और जब हम परमेश्वर को सिद्धता से समझेंगे, and we understand the truth of God perfectly, परमेश्वर के सत्य को समझते हैं, there is nothing that darkens our vision and understanding of God. तब ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के विषय में हमारी समझ को अंधकार में. And for this reason, और इस कारणवश, love is far superior to gifts and abilities. प्रेम सारी योग्यताओं और वरदानों से बढ़ करके है. I hope that you are beginning to understand why love is the greatest. और अब मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों प्रेम सबसे महान है. And there is one more aspect here. और एक और प्रेम के विषय में बात है, which we shall consider next Wednesday. जिसको हम अपने अगले अध्ययन या अगले बुधवार के अध्ययन में I encourage you keep reading this chapter. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय को पढ़ते रहें. And if there are listeners who have a problem in loving people, और अगर ऐसे सुनने वाले लोग हैं जिनके अंदर दूसरों को प्रेम करने में समस्या है, loving certain kinds of people, कुछ लोगों के संग उनको प्रेम रखने में समस्या आता है, and we see people as superior and inferior and unworthy, और हम लोगों को ऊंची और नीची रूप से देखते हैं या वो ग्रहण योग्य है या अग्रहण योग्य ऐसे देखते हैं. But when love is perfect, लेकिन जब प्रेम सिद्ध हो जाता है, we don't make any distinction, हम कोई अंतर नहीं करते, we don't look at the color of the skin, हम
चमड़ी के रंग को नहीं देखते, एंड द ब्यूटी ऑफ द फेसेस, या शक्ल नहीं देखते कितनी सुंदर है, और हाउ रिच और पुअर वी आर, और या कितने गरीब या कितने अमीर हम हैं, दीस थिंग्स पोजीशंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सारी बातें संसार में हैं, दीस थिंग्स आर नथिंग टू डू विद, इट शुड नॉट कम बिटवीन अ रिलेशनशिप of human being. और इसलिए मानव के संग जो रिश्ते हैं उनमें ये नहीं आने चाहिए. That is what is missing today. और यही आज के दिन नहीं पाया जाता. What do we witness today? आज के दिन हम क्या देखते हैं? Nothing but hatred. कुछ और नहीं, सिर्फ घृणा. Certain group of people simply cannot accept certain other kind of people. और किसी दूसरे समूह के लोग एक दूसरे समूह के लोगों को नहीं ग्रहण करते. And we cannot respect some people. हम कुछ लोगों का आदर नहीं कर पाते. Why all this? और क्यों ऐसा? Then we want to get rid of those people. और ऐसे लोगों से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं. And look at the killings and the strikes and strife going on between human beings. और देखिए मनुष्य के बीच कैसे वो लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को मारना हो रहा है. My friends, मेरे मित्रों, I am happy to announce, मैं इस बात की घोषणा करते हुए खुश हूँ, a day is coming soon, एक दिन बहुत जल्द आ रहा है, when all these things will come to an end, जब ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी. Remember, हमें याद रखिए, Jesus Christ is going to establish his kingdom, यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा. First it will be for 1,000 years. पहले वे 1,000 साल के लिए होगा. Where you will experience all this perfect love for each other. जहाँ पर आप इस सिद्ध प्रेम को अपने लिए और परमेश्वर के लिए महसूस करेंगे. And before eternity begins. इससे पहले कि अनंत की शुरुआत हो. And eternity is another thing. और अनंत एक दूसरा विषय है. But oh Lord. ये है परमेश्वर. How marvelous you are. कितने अद्भुत आप हैं. That you have planned this your kingdom here on this present earth for 1,000 years, just to give us an opportunity to live. And live with love and understanding and great joy and worship of God to experience that which you originally intended when you created the heavens and the earth. कि कैसे आपने उस 1,000 साल के राज्य को अपने पृथ्वी पर आप लाएंगे और अपने उद्देश्य को, मूल उद्देश्य को यहाँ स्थापित करेंगे जब आपने एदन की बगीचा को बनाया कि आपके संग एक सिद्ध प्रेम और रिश्ते में मनुष्य रहने पाए. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Pray humble ourselves. इस बात को प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें दीन करे. Only the Holy Spirit can generate that love within us. सिर्फ पवित्र आत्मा ही ऐसे प्रेम को हमारे अंदर पैदा कर सकता है. And still, लेकिन फिर भी, it will not be perfect. सिद्ध नहीं होगा. Until Jesus comes. जब तक यीशु ना आ जाए. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. That what is impossible today is possible at that time. कि जो आज के दिन असंभव है वो उस दिन संभव होगा. So we are looking forward to the day of the kingdom of God. तो हम उस दिन को परमेश्वर के राज्य को आने का इंतजार. God bless each one of you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. That every family can cultivate a loving relationship. हर एक परिवार आपस में प्रेम के रिश्तों को बनाए रखे. So don't fall a victim of this modern technologies that is keeping members of the same family apart. और इसलिए इन आधुनिक तकनीकों के पीछे ना दौड़े जो परिवारों को अलग करती हैं. Have your devotions, worship together. और एक साथ अपनी शिक्षाओं को करिए, एक साथ अपनी आराधना प्रार्थना को करिए. Eat your meals together. अपना खाना एक साथ खाइए. And talk and read the word of God together. एक साथ परमेश्वर के वचन को बात करिए, पढ़िए. Go to church to worship together. एक साथ मिलकर कलीसिया में आराधना करने के लिए. Let there be love. होने दे प्रेम होने पाए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Next Wednesday we will meet. अगले बुधवार को हम मिलेंगे. Amen. Amen.